अप्रैल के बाद मिथुन राशि की लव लाइफ और मेरी लाइफ में आएगी खुशियां ही खुशियां। वैदिक साधना अध्यात्मिक केंद्र जूनागढ़ से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त जय गुरुदत्त। दोस्तों जीवन में प्रेम ये एक अच्छा जीवन साथी दोस्तों जीवन में प्रेम हो एक अच्छा जीवन साथी आपको मिल जाए तो मुश्किल समय भी सहजता से कट जाता है। साथ ही किसी का प्यार पाकर आपके भीतर एक खास तरह की सकारात्मक भी बढ़ती है। यही वजह है कि दाम्पत्य और प्रेम जीवन की अहमियत आज के आधुनिक समय में भी बनी हुई है। ज्योतिष शास्त्र में भी प्रेम पक्ष दाम्पत्य पक्ष पर काफ़ी जोर दिया जाता है और आपके भावी जीवन में क्या होने वाला है इस बारे में जाना जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिथुन राशि के प्रेम और दाम्पत्य जीवन के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। आपकी राशि अगर मिथुन है तो यह वीडियो आपके लिए एक गणेश की तरह साबित हो सकता है, जिसे अहमियत देकर आप अपनी मैरिड फैमिली लाइफ को अच्छे से इस साल लीड कर सकते हैं, यानी कि 2023 को खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप अपने भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। दोस्तों आइए अब मैं आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले तो प्रेम और दाम्पत्य जीवन को लेकर आपका नज़रिया क्या है वह जानना जरूरी है। दरअसल आपकी जो राशि है वह प्रेम और दाम्पत्य जीवन में विश्वास को ज़्यादा अहमियत देती है। साथ ही भावनात्मक रूप से अपने जीवन साथी या प्रेमी से आप जुड़े होते हैं। यही कारण है कि जब आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दुखी हो जाते हैं, चिंता दूर होते हैं, उदास हो जाते हैं। हो सकता है कि साल 2023 में भी आपका मन अपने रिश्ते को लेकर दुखी रहे, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ इस साल कुछ उतार चढ़ाव से गुजर सकती है। शनि के प्रभाव के कारण साल के शुरुआती महीने यानी लगभग मार्च तक आपको अपने वैवाहिक जीवन में तमाम तरह की परेशानियां देखनी पड़ सकती है। हो सकता है आपके जीवन साथी का परिवार ऐसी बात कह दे या ऐसा कोई काम कह दे जिससे आप नाराज हो जाए और आपके रिश्ते उनके साथ बिगड़ जाए, खराब हो जाए। ऐसा होने पर जीवन साथी के साथ आपके झगड़े बढ़ सकते हैं। आप एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर उलझ सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि यह स्थिति और खराब ना हो तो मार्च के इस महीने में अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखें। सोच समझकर ही कोई बात या विचार अपने लव पार्टनर के सामने रखें, क्योंकि अप्रैल का महीना आते ही आपके दाम्पत्य जीवन में कठिन समय दूर हो जाएगा। ऐसा बृहस्पति ग्रह की कृपा से होगा। दरअसल 22 अप्रैल को बृहस्पति ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि के लिए भी लाभकारी रहेंगे। इस कारण आपके दाम्पत्य जीवन में प्यार और अपनापन बढ़ने लगेगा। जो समस्याएं या मनमुटाव अब तक आपके मैरिड लाइफ में बने हुए थे वह सुलझने लगेंगे। ससुराल पक्ष से भी आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। आपके रिश्तों में पहले जैसी मधुरता आ जाएगी। जब ससुराल या मायके दोनों जगह खुशहाली बनी रहती है तो उसका असर पति पत्नी के रिश्ते पर भी सकारात्मक रूप से पड़ता है। ऐसा होने पर ही आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। वैसे दोस्तों आपके लिए इस साल एक खास खुशखबरी भी है, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन और भी मजबूत हो जाएगा। आप अगर लंबे समय से संतान प्राप्त करने की सोच रहे थे तो इस साल आपको यह सुख मिलकर रहेगा। संतान के आने से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में लगाव की एक कड़ी और जुड़ जाएगी। इसके अलावा साल के आखिर में भी आप अपने जीवन साथी के साथ किसी खास जगह की यात्रा पर जा सकते हैं। इस वीकेंड से आप दोनों खुद में एक पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे और एक दूसरे के साथ को भी खूब एंजॉय करेंगे। यह तो दाम्पत्य जीवन को जी रहे लोगों के बारे में बात हुई। अगर आप अभी प्रेम के रिश्ते में हैं तो आपके लिए भी यह साल कुछ परेशानियां लेकर आएगा। आपकी लव लाइफ के लिए भी अप्रैल तक का समय सही नहीं है। इस दौरान किसी छोटी या बड़ी बात को लेकर आपके रिश्ते में दूरी बढ़ सकती है। आपका लव पार्टनर आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है और यह नाराजगी काफ़ी लंबी चल सकती है। इसीलिए ऐसी स्थिति बनने पर आप अपने ईगो को अलग रखकर पार्टनर को मनाएं
लव पार्टनर की नाराजगी को दूर करने का हर मुमकिन प्रयास करें, क्योंकि एक बार यह नाराजगी दूर हो गई तो आगे आपका रिश्ता बड़ा ही खुशहाल रहेगा। ऐसा देवगुरु बृहस्पति के कारण ही होगा, क्योंकि राहु वह 11वें घर में आपके 5वें और 7वें घर को देखेंगे। इसके आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वह सुलझ जाएगी। आपकी लव लाइफ में प्यार का रंग बदलने लगेगा। साथ ही आपको महसूस होगा कि लव पार्टनर भी आपको पूरी अहमियत दे रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले महीनों में आपका प्रेमी आपसे शादी करने की इच्छा जाहिर करे या आपको शादी के लिए प्रपोज ही कर दे। आप भी इस प्रपोजल को एक्सप्लोर कर लेंगे और अपने परिवार से शादी की बात भी करेंगे। परिवार की तरफ से भी आपको किसी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो कुछ चिंताएं थी, बाधाएं थी, वो दूर हो जाएगी। फैमिली वाले आपकी लव लाइफ मैरिज को लेकर काफ़ी खुश रहेंगे। इस तरह जल्द ही आपके घर में शादी की शहनाई और ढोल बजेंगे और आप अपने लव पार्टनर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत भी करेंगे। वहीं अगर आप ऐसे शख्स हैं जो अभी प्यार की तलाश में है तो आपके लिए भी साल 2023 प्यार का संदेशा लाया है। आपकी जिंदगी में भी कोई खास शख्स जल्दी ही आएगा। हो सकता है कि वह शख्स आपके आसपास ही हो, आप उसे पहले से जानते हो। दोस्तों, इन सब बातों को जानने के साथ ही आपको कुछ उपायों को भी अमल में लाना चाहिए। आपको बुधवार के दिन उपवास करना चाहिए, गौ माता को हर दिन भोजन कराना चाहिए, साथ ही भगवान विष्णु की आराधना भी आपको करनी चाहिए। ऐसा करने पर आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और आप अपने दाम्पत्य और प्रेम जीवन पर ध्यान दे पाएंगे। इसके अलावा जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि हम सबकी कुंडली में सुयोग या दुर्योग मौजूद रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो किसी व्यक्तियों को सफल बना देते हैं, ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो किसी व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।